हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, जिसका एग्जाम के अंदर पीटीसी मिनिमम 3 मार्क्स एंड मैक्सिमम 5 मार्क्स. कितना? मिनिमम 3 मार्क्स एंड मैक्सिमम 5 मार्क्स. आईपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, ये सब एग्जाम्स के अंदर ब्लड रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ब्लड रिलेशन एक्चुअली बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर आईपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क या फिर आईपीएस आरआरबी क्लर्क, आईपीएस आरआरपीओ, ये सब एग्जाम्स के मतलब ये ब्लड रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके अंदर एटलीस्ट 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट रहते हैं. ठीक है, और ज़्यादातर 5 मार्क के लिए क्वेश्चन रहते हैं. ठीक है, ब्लड रिलेशन में सबसे मेन रहता है इसके अंदर हम लोग को ये साइन पता होना चाहिए कि हम लोग मेल के लिए क्या यूज़ करते हैं, फीमेल के लिए क्या यूज़ करते हैं, फादर के लिए क्या यूज़ करते हैं, मदर के लिए क्या यूज़ करते हैं, सिस्टर इन लॉ के लिए क्या यूज़ करते हैं, मदर इन लॉ के लिए क्या यूज़ करते हैं. सब साइनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर साइनिंग के हिसाब से आपको पता होना चाहिए, अगर साइनिंग इंपॉर्टेंट अगर पता ना हो तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एग्जाम्स के नाम. ठीक है, तो देखिए साइनिंग का मतलब कैसा होता है बच्चों. जैसे अब जैसे मैं बोल रहा हूँ प्लस की साइन हो तो हम इस किसके लिए यूज़ करते हैं, मेल के लिए यूज़ करते हैं. फिर माइनस की साइन किसके लिए यूज़ करते हैं बच्चों, फीमेल के लिए यूज़ करते हैं. जैसे मैं बोल रहा हूँ अगर सपोज ब्रदर है तो ब्रदर के लिए मैं कौन सा साइन यूज़ करता हूँ. जैसे अभी मैं अपनी खुद की साइन बता रहा हूँ, जैसे आप लोग कैसे भी साइन यूज़ कर सकते हो, प्लस माइनस कैसे भी कर सकते हो, मैं अपनी खुद की साइन बता रहा हूँ. अगर सपोज ब्रदर के लिए आप यूज़ करो, सपोज ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो इसके अंदर आप कौन सी साइन यूज़ करोगे बच्चों, ये साइन यूज करोगे ए इज ब्रदर ऑफ यू बी. मतलब मैं अपना खुद का बता रहा हूँ, ए इज ब्रदर ऑफ यू मतलब ये साइन यूज करोगे ब्रदर के लिए. ठीक है, उसी अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछा कि ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी, तो इसमें आप कौन सा साइन यूज करोगे. सपोज ए फादर है तो ऑब्वियसली बात है वो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन कौन सा, बी, तो ये साइन आ जाएगी. ठीक है, उससे सब अगर बोला गया कि ए इज वाइफ ऑफ बी, ए इज वाइफ ऑफ बी, तो इसमें साइन कौन सी यूज होगी बच्चों. ए वाइफ है मतलब ए ऑब्वियसली बात है फीमेल रहेगी, और मैं अगर हस्बैंड वाइफ के लिए जिस कपल के लिए कौन सा साइन यूज करता हूँ, सिंगल लाइन यूज करता हूँ. ठीक है, सिंगल लाइन यूज करता हूँ कपल के लिए. ठीक है, और ऑब्वियसली बात अगर ए बी की वाइफ है तो बी क्या हो जाएगा, ए का वो हस्बैंड हो जाएगा. ठीक है, ये साइनिंग यूज करना चाहिए, साइनिंग काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों. जैसे मैं आपको यूज कर ब्रदर के लिए कौन सा यूज करता हूँ बच्चों, दिस. उसके बाद अगर फादर का तो ये साइन यूज करने का. अगर सपोज ए इज वाइफ ऑफ बी मतलब कपल्स के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, सिंगल लाइन यूज करता हूँ, तो इसी तरह काफ़ी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगर सपोज बी इज हस्बैंड ऑफ ए मतलब हमें पता होना चाहिए साइनिंग इंपॉर्टेंट. ठीक है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, तो सिस्टर इन लॉ ऑफ बी मतलब ए को सिस्टर है मतलब ऑब्वियसली बात है सिस्टर इन लॉ मतलब माइनस ही साइन रहेगी. उसके बाद उसका कोई ना कोई भाई या बहन रहेगा, तो उसका हस्बैंड या वाइफ जो भी रहेगा वो बी रहेगा. उसका जो भी भाई या बहन रहेगा, उसका कोई भी जो भी रहेगा हस्बैंड या वाइफ वो बी रहेगा. तो बस हमें इतना पता है कि ए जो है वो इसकी सिस्टर इन लॉ, अपन हमें ये नहीं पता ना कि बी क्या है ए क्या. ठीक है, अगर हमें ये पता है कि ए बी का क्या है, अपन बी ए का क्या है वो हमें पता नहीं है. तो अगर सपोज आपको क्वेश्चन में ऐसा आया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, तो हम बता सकते हैं ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी. पर अगर हमें ऐसा पूछा जाए कि बी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड ए, तो हमें इसमें पता नहीं, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी एंड डी. सी एंड डी मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड मतलब हमें इतना पता होना चाहिए कि अगर जेंडर नहीं दिया हो तो आंसर सी एंड डी होना चाहिए. प्रॉपर जेंडर ने दिया ऑफिया पर हमें पता नहीं, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होना तो उसका आंसर सी एंड डी. अभी पता हम लोग को अपन गैस नहीं कर सकते कि इसमें जेंडर क्या है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं. तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आंसर हमेशा सी एंड डी होता है. ठीक है, तो ये सब साइनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखे तो, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट. देखिए अभी एक क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन लिया मैंने ताकि आप लोग बेसिक से बेसिक कवर हो. ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग केयरफुल टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. ठीक है, ए की कोई फैमिली है वो कंसिस्ट क्या 6 मेंबर है उसके अंदर. ए की फैमिली में कितने मेंबर है बच्चों, 6 मेंबर है, पी क्यू आर एक्स वाई एंड जेड, 6 मेंबर है बच्चों. उसके बाद क्या बोला है, क्यू इज द सन ऑफ आर, क्यू जो है सन है किसका, आर का. तो इसके लिए मैं क्या है? हमेशा जनरेशन गैप के लिए मैं सिंगल लाइन यूज करता हूँ. ठीक है, जनरेशन गैप के लिए मैं सिंगल लाइन यूज करता हूँ, याद रखो. उसके बाद क्या बोला है, क्यू इज द सन ऑफ आर, क्यू जो है सन है किसका, आर का. ठीक है, देखिए बच्चों इसमें क्या पूछा गया, फिर इसमें क्या बोला है, आर हु इज नॉट द ब्रदर ऑफ हु, आर हु इज नॉट द मदर ऑफ क्यू, आर हु इज नॉट द मदर ऑफ क्यू, आर जो मतलब देखिए हु हमेशा सेकेंड पर्सन के लिए यूज किया जाता है, हु हमेशा सेकेंड पर्सन के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, इतना याद करो, हमेशा सेकंड पर्सन के लिए
यूज़ किया जाता है। और एंड हु हो गया, अगर विच हो तो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यूज़ किया जाएगा। उसी अगर एंड होगा ना तो हमेशा अगर सपोज यहाँ पर एंड रहता तो एंड जो हो क्यू से रिलेट करता, पर अगर हु है ना तो वो किससे रिलेट कर रहा है, आर से रिलेट कर रहा है। ठीक है, इतना बेसिक हमें आना चाहिए। अभी देखिए बच्चों, क्यू इज सन ऑफ आर बना लिया, उसके बाद क्या बोला है, आर हु इज मतलब आर इन शॉर्ट मतलब आर ही है। ठीक है, आर हु इज नॉट मदर ऑफ क्यू, आर जो है क्यू की मदर नहीं हो सकती, तो क्या हो सकती है, फादर हो सकता है ना वो, अगर वो मदर नहीं हो सकता तो फादर हो सकता है। ठीक है, तो मैं मेल के लिए हमेशा फादर के लिए मेल मतलब देखिए साइन कौन सी यूज करो, और ऑब्वियसली बात है अगर आर इसका फादर है तो इसकी कोई मदर भी रहेगी। और मैं कपल के लिए कौन सी साइन यूज़ करता हूँ बच्चों, सिंगल लाइन यूज़ करता हूँ। ठीक है, और कोई भी इसकी मदर तो रहेगी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, पी एंड आर आर मैरिड कपल, पी एंड आर आर मैरिड कपल मतलब ऑब्वियसली बात है पी एंड आर, तो आर का मैं जेंडर दिया था तो पी का जेंडर क्या हो जाएगा, फीमेल, मतलब पी क्यू की क्या लगी, मदर हो गई, और आर क्या हो गया क्यू का, फादर हो गया। ठीक है, इतना समय। उसके बाद क्या बोला है, वाई इज द ब्रदर ऑफ आर, वाई इज द ब्रदर ऑफ आर, वाई का कोई ब्रदर भी है, तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ ब्रदर के लिए कौन सा साइन यूज करते हैं, डॉटेड लाइन यूज करते। ठीक है, देखिए वाई इज क्या है, ब्रदर ऑफ आर, तो वाई का भी हमें जेंडर दिया गया, वाई इज ब्रदर ऑफ आर। ठीक है, तो वाई भी क्या हो, मेल हो गया, इसमें मेल कितने हैं, ये एक आर हो गया, क्यू एंड वाई। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, एक्स इज देखो मैं वापस ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, क्यू इज सन ऑफ आर, उसके बाद क्या बोला है, आर, और आर जो है मदर नहीं, ऑब्वियसली बात है वो फादर होगा, और उसकी कोई ना कोई मदर तो रहेगी, वो हमें पता नहीं, उसको हमें एक्स ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, पी एंड आर आर मैरिड कपल, तो ऑब्वियसली बात है पी और आर मैरिड कपल, तो ऑब्वियसली बात है पी जो है मेल हो गई, सॉरी फीमेल हो गई, पी जो है फीमेल हो गई। उसके बाद क्या बोला है, वाई इज ब्रदर ऑफ आर, वाई है वो ब्रदर किसका, आर का, तो ब्रदर और सिस्टर के लिए मैंने कौन सा साइन यूज करता हूँ, हमेशा ये साइन यूज करता हूँ। ठीक है, वाई जो है ब्रदर है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक्स इज डॉटर ऑफ पी, एक्स इज डॉटर ऑफ पी, ऑब्वियसली बात है इसका कोई ना कोई और एक डॉटर भी है, एक्स इज क्या है, एक्स इज डॉटर ऑफ पी, और तो ऑब्वियसली बात है अगर एक्स पी की डॉटर है तो क्यू की क्या हो गई, सिस्टर हो गई ना, अगर एक्स जो है आर की डॉटर है तो ऑब्वियसली बात है वो क्यू से क्या रिलेट करेगी, वो सिस्टर होगी क्यू की। ठीक है, चलो ठीक है, उसके बाद क्या, और मैं ब्लड ब्रदर सिस्टर के लिए कौन सी साइन यूज करता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक्स इज डॉटर ऑफ पी, एक्स इज डॉटर ऑफ पी, उसके बाद क्या बोला है, एंड जेड इज ब्रदर ऑफ पी, एंड जेड इज ब्रदर ऑफ पी, जेड इज ब्रदर ऑफ पी, तो एस जेड का जेंडर क्या हो जाएगा, मेल में आ जाएगा वो, और ब्रदर और सिस्टर कौन है, पी एंड जेड ब्रदर एंड सिस्टर है, एंड क्यू एंड एक्स भी ब्रदर एंड सिस्टर है, एंड वाई एंड आर भी ब्रदर एंड ब्रदर है। इसमें क्या बोला था, उसके बाद में हमें कपल कितने मिले इसके अंदर, सिंगल कपल मिला है, वो कौन है, पी एंड आर। ठीक है, बाकी क्या है, पी एंड जेड ब्रदर है, क्यू एंड एक्स भी ब्रदर है, एंड वाई एंड आर भी ब्रदर है। ठीक है, इतना ड्रॉ हो गया, अब इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैं आपको पूछूं कि वाई का क्यू से रिलेशन क्या है, सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया, वाई इज व्हाट रिलेशन बिटवीन वाई एंड क्यू, तो हम लोग बता सकते हो कि वाई इज अंकल ऑफ क्यू, वाई क्या हो गया, क्यू का अंकल हो गया। उसी जगह हमें ऐसा पूछा गया कि क्यू वाई का क्या है, तो क्यू जो है वाई का नेफ्यू है। ठीक है बच्चों, क्यू जो है वाई का नेफ्यू है। अगर सपोज हमें ये पूछा जाए एक्स का वाई से रिलेशन क्या है, हमें अगर ऐसा पूछा जाए एक्स का वाई से रिलेशन क्या है, तो एक्स वाई का क्या हो गया, नीज हो गई, एक्स जो है वाई की क्या हो गई, नीज हो गई, और क्यू वाई का क्या हो गया, नेफ्यू हो गया। इतना आना चाहिए बच्चों, ठीक है, अपने भाई या बहन के बच्चों को हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्यू या फिर नीज। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। उसके बाद अगर सपोज ऐसा पूछा जाए जेड का रिलेशन आर से क्या है, जेड का रिलेशन आर से क्या है, तो वो है ब्रदर इन लॉ, तो वो क्या है, ब्रदर इन लॉ, वो उसकी बहन का पति है ना, जेड के बहन का पति है आर, तो ऑब्वियसली बात है वो किसका रिलेशन है, ब्रदर इन लॉ का रिलेशन हो गया ना जेड का आर से। उससे अगर आर का अगर जेड से भी पूछा जाए तो भी आर जेड का या फिर जेड आर का दोनों का रिलेशन ब्रदर इन लॉ में आता था। ठीक है, उसके बाद ऐसा पूछा जाए पी का रिलेशन वाई से क्या है, पी का रिलेशन वाई से क्या है, तो वो है सिस्टर इन लॉ, तो वो क्या है बच्चों, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, समझ में आ रहा हूँ, बेसिक से बेसिक पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे लेवल अप करेंगे। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं पहले अपन।
हु इज ब्रदर नीलोफर, हु इज ब्रदर नीलोफर, आर का ब्रदर इन लॉ कौन है? अभी आर की कोई वाइफ है, उसका कोई भाई है क्या? जेड है ना उसका भाई, तो वो क्या हो गया आर का ब्रदर इन लॉ हो गया, तो क्या है उसका आंसर? जेड, जेड इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी फीमेल्स मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, हाउ मेनी फीमेल्स मेंबर आर देयर इन द फैमिली। तो अभी हमें बताना है इसके अंदर की फीमेल मेंबर कितने टोटल। ये देखो, एक तो एक्स का जेंडर दिया है वो फीमेल है, दूसरा पी का जेंडर दिया वो फीमेल है, और कोई फीमेल है क्या? तो है, बस दो ही है, पी और एक्स फीमेल है, बाकी सारे मेल है। तो टू इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, टू इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो समझ में आया बच्चों में कैसे कराया? देखो बच्चों, प्रॉपरली हमें पता होना चाहिए कि सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ या फिर मेल फीमेल, हम लोग को साइनिंग काफी इंपॉर्टेंट है। अगर साइनिंग अगर हमें पता ना हो कि किस ब्रदर इन लॉ के लिए कौन सी साइनिंग लेनी है, फिर मेल के लिए या फिर जेंडर गैप में क्या साइन होती है, तो उसमें कन्फ्यूजन होने के ज़्यादा चांसेस है। इसलिए प्रॉपरली डायग्राम ड्रॉ करिए, उसमें पता होना चाहिए कि ये किसका सिस्टर इन लॉ है, कि ब्रदर इन लॉ है, कि भाई है, कि बहन है, या फिर सपोज अगर जेंडर नहीं दिया हो, अगर जेंडर क्वेश्चन में नहीं दिया हो ना, तो उसका आंसर हमेशा सी एन डी होता है बच्चों। हमें खुद से गेस मत करिए कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। अगर जेंडर नहीं दिया हो ना, तो उसका आंसर सी एन डी डालिए। खुद से गेस करते बैठो कि हाँ, अगर ये इसका भाई हो सकता है, बहन भी हो सकता है, या तो आइदर और होगा, आइदर सिस्टर और ब्रदर होगा, या फिर सी एन डी होगा। तो आइदर अगर, हाँ सपोज जेंडर नहीं दिया हो तो आइदर भी हो सकता है, पर ज़्यादातर आंसर सी एन डी निकलता है। ठीक है। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, वो भी ब्लड रिलेशन सिंपल ही टॉपिक है। इससे पहले जो क्वेश्चन करा है उसमें आपको कोई डाउट होगा तो बाद में पूछ लीजिए, ठीक है बच्चों। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा है। देर आर एट फैमिली मेंबर्स बी डी एच के एन पी क्यू आर, आठ जन है बच्चों सबका। देख लेते क्वेश्चन कैसे, ये भी देख लेते, आठ जन है, उसमें क्या देगा? एन इज अंकल ऑफ क्यू, एन इज अंकल ऑफ क्यू, तो एन का जेंडर ऑब्वियसली दिया है, एन इज अंकल ऑफ यू। एन का कोई ना कोई भाइया बहन रहेगा, एन का कोई ना भाइया बहन तो रहेगा ना, तो उसका क्या है? एन इज अंकल ऑफ क्यू, उसका कोई ना कोई लड़का या लड़की है, वो है क्यू। हमें एक्सैक्टली बताया नहीं कि जेंडर क्या है क्यू का, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? क्यू हु इज डॉटर ऑफ आर, क्यू हु इज डॉटर ऑफ। अभी देखो बच्चों, ये लाइन अब काफी इंपॉर्टेंट है, क्यू हु इज डॉटर ऑफ आर। एक तो पहले इसमें देख लीजिए, क्यू दिया, हु दिया गया है, तो हु मतलब सेकेंड पर्सन को रिलेटेड करता है, हमेशा याद रखना। बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हु किसके रिलेटेड होता है, हमेशा याद रखो क्यू हु जो है ना, हमेशा इमीडिएट या फिर सेकंड पर्सन के लिए फॉलो करता है, ठीक है। तो उसका क्या है? क्यू, इन शॉर्ट क्यू, क्यू इज डॉटर ऑफ आर, क्यू जो है डॉटर किसकी? आर की, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? अभी पता है नहीं ना कि आर मेल है फीमेल है, इतना पता नहीं, बस आर की डॉटर है क्यू, हमें क्यू का जेंडर मिल गया। उसके बाद क्या है? देर आर टू मैरिड कपल्स इन द फैमिली, दो मैरिड कपल है, दो मैरिड कपल है। उसके बाद क्या बोला है? देर आर टू मैरिड कपल्स इन द फैमिली एंड टू ग्रैंड चिल्ड्रन इन द फैमिली। एक तो दो मैरिड कपल भी है और दो ग्रैंड चिल्ड्रन भी है इसके अंदर, ठीक है। एच हैज वन डॉटर एंड वन सन, एच हैज वन डॉटर एंड वन सन, बी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, बी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी एंड सिस्टर ऑफ डी। यहाँ पे समझ आया, पी इज सिस्टर ऑफ एन। अभी देखिए बच्चों, अगर पी इधर होगा तभी तो पी जो है सिस्टर इन लॉ ऑफ किसकी? एन की होगी, ठीक है। पी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ टी, अगर पी सिस्टर इन लॉ है तो ऑब्वियसली बात है आर क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा, और पी क्या है? फीमेल है। अगर पी अगर एन की सिस्टर इन लॉ है तो ऑब्वियसली बात है आर क्या है? इसका ब्रदर हो गया, मतलब जेंडर मिल गया ना हमें, कंफ्यूजन हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। पी जो है एन की सिस्टर इन लॉ है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या बोला है? एच इज नॉट अ मेल, क्यू हैज वन, क्यू हैज ओनली वन ब्रदर, क्यू को खाली एक ही भाई है, ठीक है। वो भी बताइए, ब्रदर और सिस्टर के लिए मैं ये साइन यूज करता हूँ, ठीक है। आप लोग कोई भी साइन यूज कर सकते हैं जैसे आप कंफर्टेबल हो। क्यू इज हैज वन ओनली वन ब्रदर, कोई क्यू का कोई ना कोई एक भाई है, इतना एक समझ में आ रहा है? यहाँ तो समझ में आया। अभी देखिए बच्चों, एक तो ये लाइन कवर हो गई है और दूसरी ये लाइन कवर हो गई है और ये लाइन भी कवर हो चुकी है। अभी लाइन क्या बाकी है बच्चों? देखिए, बी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, बी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। अभी देखिए, एक या तो इसका बेटा होगा या तो इसका बेटा हो सकता है। अभी देखिए, बी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, बी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, पी का जेंडर दिया हमें फीमेल है वो, बी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ पी एंड सिस्टर ऑफ डी, बी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ पी एंड सिस्टर ऑफ डी, बी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ पी एंड सिस्टर ऑफ डी। ये तो बी जो है वो ग्रैंड डॉटर है पी की भी, और बहन किसकी है वो?
डी की बहन है, डी की बहन है वो, ठीक है, यहां तक समझा। उसके बाद क्या बोला है, एच हैज ओनली एज वन डॉटर एंड वन सन, एच का कोई एक सन और एक डॉटर है। तो देखिए बच्चों, अगर एच यहां पर डाल दो तो एक सन हो गया और ये एक डॉटर हो गई, हो सकता है ना ये भी। उसके बाद क्या बोला, एच इज नॉट ए मेल, तो ऑब्वियस ये बात है, ये क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये हो गया रॉन्ग, ठीक है। आपको पता नहीं था ना कि क्यू की बेटी है क्या एच इसकी बेटी है। देखो अब वो सपोज मैं बोल रहा था बी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, अभी देखिए बी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, बी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। अभी देखिए अगर क्यू का हमने चेक किया पहले तो क्यू का नहीं मिल रहा था रिलेशन, तो हम बी का देखते हैं, यहां पर देखते हैं उसका भाई का देखते हैं, ठीक है। बी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, बी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, बी इज सिस्टर ऑफ डी, बी क्यों, बी किसी की किसकी बहन है बच्चों, डी की बहन है, तो भाई बहन का क्या रिलेशन आता है, ये आ जाता है। उसके बाद क्या बोला है, एच इज नॉट अ मेल, वो तो समझ में आ गया, एच हैज वन डॉटर एंड वन सन। देखो अगर एच यहां डालोगे, एच क्या बोला बच्चों, एच एस एच यहाँ डाल दो बच्चों, ठीक है, एच यहाँ डाल दो तो एच हो गया फीमेल हो गई, वो मेल नहीं बोला ना, एच इज नॉट ए मेल तो एच फीमेल हो गई, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है, पी सिस्टर ऑफ एन, उसके बाद ठीक है इतना भी समझ में आ गया, क्यू हैज वन डॉटर, ठीक है। देखो अभी हमें क्या फाइंड करना है, एक तो देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब इसमें क्या बोला था, टू ग्रैंड चिल्ड्रन, दो ग्रैंड चिल्ड्रन मिले हमें। उसके बाद क्या बोला, टू मैरिड कपल से, एक तो ये मैरिड कपल हो गया, दूसरा ये मैरिड कपल हो गया, इतना समय आया। उसके बाद बचा कौन सा है, बी डी एच के बाकी के बच्चों, के बाकी है, तो के क्या हो जाएगा, बी का फादर हो जाएगा, के क्या हो जाएगा बच्चों, बी का फादर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो सॉल्व हो गया पूरी तरह, क्या बचा खाली हमें पता करना है कि डी का जेंडर क्या है, डी का जेंडर बताया नहीं क्या, ठीक है। Q has only one brother. Q has only brother. ठीक है K. उसके बाद और क्या बचा है, ठीक है क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, हमें D का जेंडर दिया नहीं, बाकी सारे जेंडर दिया और पजल सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। How is R related to K? How is R related to K? R का रिलेशन K से क्या है? R का रिलेशन K से क्या है? R का रिलेशन K से क्या है? फादर का रिलेशन है ना बच्चों, आर का रिलेशन के से क्या है, फादर का रिलेशन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फादर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हाउ इज डी रिलेटेड टू क्यू, हाउ इज डी रिलेटेड टू क्यू, हाउ इज डी रिलेटेड टू क्यू, डी का रिलेशन क्यू से क्या है, डी का रिलेशन क्यू से क्या है। देखो बच्चों हम लोग ये बता सकते हैं कि क्यू का रिलेशन डी से क्या है, क्यू का रिलेशन डी से है, डी से क्या हो जाएगा इसके, ये आंट हो जाएगी, क्यू जो है डी की क्या हो जाएगी, आंट हो जाएगी। पर हमें ये पता नहीं ना डी का जेंडर क्या दिया है, तो हम लोग इसको क्या बोलेगा, इसका आंसर सी एन डी, कैन नॉट बी डिटर, मतलब हमें जेंडर पता नहीं था। उसी जगह अगर हमें आर का पूछा होता के से तो के फादर है, पी किस पी का रिलेशन के से क्या है, मदर है, अगर पी का रिलेशन हमें पूछा गया होता एच से तो मदर इन लॉ है, ठीक है। उसी तरह अगर एन का रिलेशन हमें पूछा गया होता के से तो अंकल है, ठीक है, इतना पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी का रिलेशन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, डी का रिलेशन दिया नहीं, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह क्वेश्चंस देखने हमें ब्लड रिलेशन के बेसिक से बेसिक क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चंस हाई लेवल में बढ़ेंगे। आज हम लोग ने जो पढ़ा क्वेश्चंस, आप लोग एटलीस्ट घर पे जाके 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, अगर तब भी सॉल्व नहीं हो गए तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल के देखिए, कुछ डाउट हो तो पूछिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी बच्चों, अगले लेक्चर में हम लोग इससे भी अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा लेवल अपर करेंगे, ठीक है।